क्वेश्चन है, सारिका के तीन बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, उन सब की आयु का योग 22 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। मैं रेशियो से दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे हम, तीसरे वाले बच्चे को हम पहले, एक सेकेंड पहले हम मान लेते हैं, ठीक है, एकदम क्वेश्चन के अनुसार से हम करेंगे। चलो क्या बोल रहा है, पहला जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, दूसरा बच्चा मान लो एक्स है, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 होगा, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बड़ा है, बड़ा कर दिया। सेकेंड भाई क्या बोल रहा है, दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है, तीसरे से 4 वर्ष बड़ा कौन है, दूसरा बच्चा, ठीक है, 4 वर्ष बड़ा है किससे, तीसरे वाले से, ये एक्स हो गया, ये एक्स प्लस 4 हो गया, यहाँ पर तब कितना हो जाएगा, 5 नहीं होकर कितना होगा यहाँ पर, और हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है पहला, तो यहाँ पर कितना जाएगा, एक्स प्लस 9, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन का मेरा ये रहने वाला है। अब क्या बोल रहा है, उन सब की आयु का योग 22 वर्ष, तीनों का आयु योग कितना है 22, कितना होगा, एक्स प्लस 9 होगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, तीनों को जोड़ के 22 के बराबर कर देना है, तीनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा, एक्स एक्स एक्स, 3x लिख दें, 9 4 13 लिख दें, लिख दिए, ये किसके बराबर है, 22 के बराबर है, 3x हो गया, इसको इधर कर देंगे, तेर को कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक्स को 3 करेंगे कितना हो जाएगा, ये पता करना है सबसे बड़ा वाला बच्चा का आयु कितना है, बड़ा कौन दिख रहा है, एक्स प्लस 9, तो x प्लस 9 में जोड़ देंगे हम लोग, पहला जो बच्चा है सबसे बड़ा बच्चा होगा, क्योंकि 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 20। क्वेश्चन है, दो बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से छोटी बहन की आयु से छोटी बहन की आयु ज्ञात करना है, दो बहनों का अंतर दिया हुआ है, जैसे फादर की आयु दिया हुआ है, क्योंकि माँ से कितनी है 2 वर्ष बड़ी है, फादर के लिए एफ लिखता हूँ, ठीक है, एफ कितना दिया हुआ है, 52 वर्ष, यानी कि माँ से कितना बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है, यानी कि माँ की आयु 50 वर्ष होगी, तभी तो पापा की आयु 2 वर्ष बड़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है, कि बड़ी बहन की जो आयु है माँ की आयु से आधी है, यानी कि माँ की आयु से बड़ी बहन, एल्डर्स इस लिखते हैं, ठीक है, एल्डर्स सिस्टर के लिए बड़ी बहन की आयु क्या है, माँ से आधी है, यानी कि आधी है तो 50 से तो उसका कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है छोटी बहन, छोटी सिस्टर का देखो, एस लिखते हैं इसके लिए, क्या बोल रहा है, दोनों बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, यानी कि बड़ी बहन छोटी बहन के आयु का अंतर कितना है, 2 वर्ष का है, बड़ी बहन यानी कि मेरा कितना है, 2 है, तो बड़ी बहन मेरा दिया है 25 वर्ष, छोटी बहन को चाहिए, तो एस लिखते हैं, इसको एस फ्री करना है, कितना देगा, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23 वर्ष, क्या कितना हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, उनकी आयु ज्ञात करें। दो भाई है, मान लो ए है और बी है, इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:8। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 12 वर्ष, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, सॉरी 12 दिया हुआ है, एक बार कितना जाएगा, 4 हो गया, ऐसे एक कितने निकल गया, 4 निकल गया, इसमें निकला 3 को ऐसे काट देंगे, कितने निकलेगा, 4।
उनकी आयु ज्ञात करें। उनकी आयु मतलब एक की आयु कितना है, 5 अनुपात में दिया है, आयु कितना जाएगा, 5 गुना 4 इक्वल टू 20। दूसरा है अनुपात में 8 है तो नंबर में कितना जाएगा, 8 × 32। तो 20 और 32 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय और जोग की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। जय को ऋण करते हैं जे से, जोग को ऋण करते हैं जे और जी से, ठीक है, जोग हो गया। इसका जो अनुपात दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है, बोल रहा है इनकी आयु का योग, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट 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 क्या बोल रहा है, 9 वर्ष के बाद आयु का अनुपात कितना होगा, इसका जो आयु का हुआ कितना होगा, एक सेकंड देख लेते हैं। तो 9×5 = 45, 9 वर्ष के बाद देखेंगे तो 9 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 54। जोक के लिए देखेंगे, इसके लिए ठीक है, इस जोक के लिए देखेंगे, ठीक है, जोक के लिए क्या बोल रहा है, 2 है तो इसका आयु अनुपात में 2 दिया है, तो इसका नंबर में कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18 होगा, प्लस करेंगे 9 लिखेंगे कि 9 वर्ष के बाद हो जाएगा, तो 18 × 9 कितना करें, 27, ठीक है। इतना समझ में आ गया, हटा दें यहाँ तक, यानी कि मेरा जय के लिए कितना निकला, जय और जोग, जय निकला कितना, 54 निकला गया, 54 निकल गया, अनुपात में निकल गया 27, जब डिवाइड करेंगे तो 27 × 54 = 1, ठीक है। इसका जो अनुपात निकलेगा, जो नया अनुपात बनेगा 9 वर्ष के बाद, वो बनेगा 2:1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और आसानी से बन भी जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है, सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में बताया गया है कि सीमा और रीमा की आयु कितना है, 2:3 है, सीमा को एस लिखते हैं और रीमा को आर लिखते हैं, इन दोनों के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी, यानी कि रीमा जो है सीमा से कितना छोटी है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1 होगा, 1 किसके बराबर है, 6 के बराबर, दिक्कत यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, और बताया गया है कि 6 वर्ष के बाद सीमा और रीमा की आयु कितना हो जाएगा। 6 वर्ष पहले तो इसका सीमा को ओरिजिनल आयु निकाल लेते हैं, वर्तमान आयु कितना जाएगा, 12 वर्ष, सीमा के लिए जाएगा कितना, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, और क्या क्या करना है इसमें, 6 वर्ष बाद देखना, 6 वर्ष बाद जोड़ेंगे कितना जाएगा, 18। रीमा के लिए वर्तमान आयु कितना जाएगा, 3 × 6 = 18, से 6 वर्ष जोड़ेंगे कितना जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। नया अनुपात न्यू रेशियो कितना जाएगा, न्यू रेशियो बराबर हो जाएगा सीमा रेशियो आर, सीमा के लिए 18, रीमा के लिए 24, भाग देंगे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, ये बन जाएगा कितना, 6 × 3 = 18, 6×4 = 24, यानी कि इसका न्यू अनुपात कितना जाएगा, 3:4। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3:4। कैसा लगा ये वीडियो,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।